हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल चटोरी रजनी। अभी भी नाक बंद, कान बंद, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, रात को सोने में प्रॉब्लम हो रही है। खाना कुछ गरम गरम है, गले के लिए आराम मिले और कंजेशन जो है गल जाए जल्दी। तो मैंने सोचा सिंपल सा खाना खाती हूँ, इडली और सांभर। तो इडली सांभर बनाने के लिए देखेंगे क्या मैं कैसे बनाती हूँ, मैंने सुबह दिखाती हूँ। पूरी किचन बिखरी हुई है, डोंट माइंड अबाउट दैट। पर क्या करूँ, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये दाल है। मैं हमेशा दाल मिक्स करके रखती हूँ, अरड़ की दाल और तुअर, अरड़ और तुअर से मैं मूंग की दाल, पीली मूंग की दाल। वो मैंने भिगो ली थी। पता है बनाना है तो 1-1.5 घंटे पहले भिगो देना, तो बहुत जल्दी बनता है। यहाँ पे ये देखिए, क्लोजअप में दिखाते हैं आपको, दिख रही ना अब दाल। अब ये दाल है, यहाँ पे बहुत सिंपल रसम है, सांबर है। सॉरी, नाक में इतना है, सर दर्द हो रहा है ना, सांबर रसम सब एक हो रहा है मेरा। एनीवेज, सांबर भी मैं 2-3 तरीके से बनाती हूँ। ये वाली सांबर मैं सिर्फ इडली के लिए बनाती हूँ, ताकि उसमें डुबो के खा ले, सब्जियाँ नहीं होती उसमें। जो चावल के साथ होती है उसमें खूब सारी सब्जियाँ होती है, और मैंने पहले भी इसकी रेसिपी शेयर की है। ये देखिए, टमाटर है। मैंने रफली 2 टमाटर काट के रखे हैं, एक प्याज को मैंने रफली चॉप किया है। सांबर पाउडर है, ये मेरे घर का बना हुआ सांबर पाउडर है, और उतना ही धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक है, सारा हम इसमें डाल देते हैं। और अब मैं तिल का तेल ले रही हूँ, तो थोड़ा सा तिल का तेल, कुछ भी नहीं है। ये ढक्कन लगाऊंगी और कम से कम 3 से 4 सीटी आने का मैं इसका वेट करूँगी। एट द सेम टाइम मैं दिखाऊँ आपको मैं इडली के लिए क्या कर रही हूँ। तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं बैटर बना नहीं पाई, और बाहर का बैटर मैं यूज़ कभी करती नहीं हूँ। ये मैंने पैकेट का, जो MTR का रवा इडली नहीं आता है, वो घर पे था। मैंने इसमें जो रवा इडली का पैकेट है उसमें दही मिला के करीब 1 घंटे पहले मैंने दही बाहर रख दिया, ताकि रूम टेम्परेचर पर आ जाए, और ये इडली के लिए बैटर तैयार कर लिया। बेटा भी खा लेगा खुशी खुशी, उसे भी इडली पसंद है। पर रवा इडली खाएगा कि नहीं पता नहीं, रिक्वेस्ट तो करिए भाई, यही खा ले, प्लेन इडली नहीं बनेगी। चलिए अब कुकर को मैं ऑन कर देती हूँ, फिर बनाते हैं हम सांभर। तक सीटी आ गई है कुकर में, मैं यहाँ पे इडली चढ़ा रही हूँ, रवा इडली। ये स्टैंड है, क्लियर दिख रहा है आपको, ये देखिए। ये नीचे एक स्टैंड है जो इडली से भरा हुआ है, ये दूसरा स्टैंड, और ये तीसरा मिनी, ये पता नहीं लग क्यों नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे, आज कुछ इश्यू आ रहे हैं इसके बारे में। और ढक देते हैं, करीब 15 मिनट देख के घर से इसे लगेगा टाइम बनने में। देखिए, दाल जो है मेरी बढ़िया से उबल चुकी है सारी, और इस टाइम पे मैं इसमें डालूंगी इमली का पेस्ट। ये मैंने पहले क्यों नहीं डाला, ताकि दाल में उबलने में प्रॉब्लम ना आए। कर देते हैं इसे मिक्स। इमली थोड़ी सी और, बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी तो मेरा बेटा नहीं खाएगा। ये देखें, काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी बनती है ये। अब मैं इसे ब्लेंडर की हेल्प से पीस रही हूँ। बहुत लोग को लगेगा कि ये क्या कर रही है, लेकिन ट्रस्ट मी, बहुत यम्मी सांभर होती है। अगर किसी ने मेरे घर पे जितने भी सांभर खाई ना, किसी ने क्या, मुझे नहीं पता वो लोग देख रहे कि नहीं, लेकिन जिसने भी ये सांभर खाई है ना हमारे यहाँ पे, उनको हमेशा अच्छी लगी है। बिल्कुल फूल प्रूफ मेथड है अमेजिंग सांभर बनाने के लिए। आप चाहें तो इमली पहले ही डाल लें और फिर उबाल लें। तड़के वाले में घी गरम कर रही हूँ, आप चाहे तेल में भी बना सकते हैं। और मैं ये डाल देती हूँ राई, साथ में ना मैं ये वाली मिर्च डाल रही हूँ, इसे गुंडू मलका बोलते हैं, गुंडू का मतलब मोटी। ये मोटी वाली सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता मैं सांभर में डाल रही हूँ, क्योंकि ना मुझे जब तेल में डालते हैं और वो उछलता है ना, बहुत गंदा लगता है, पूरी गैस भी गंदी हो जाती है, खुद पर भी उछलता है। और ये मैंने डाला घी, गैस कर देते हैं बंद। तरीके से बिल्कुल तैयार है हमारी यमी सांबर।
ना कहीं प्याज दिख रहा है ना टमाटर। एट द सेम टाइम यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा कुकर जो है रेडी हो चुका है, से कम रेडी क्या 15-20 मिनट मैंने इसे भी स्टीम कर लिया था इडली को। आप देख रहे हैं अच्छे से फुली फुली इडली है, गर्म होगा। अभी हम इसे बाहर निकाल के ठंडा करेंगे, बहुत गर्म है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सांभर रेडी है, गर्मा गर्म सांभर, गरम गरम इडली। तो सबसे पहले बेटू लाल की करती हूँ मैं तैयारी। ये देखिए, ये पानी जो है थोड़ा सा ठंडा पानी लेके चम्मच डिप करके इस तरीके से निकाली जाती है। सो इडली जैसे ही आप निकाल के अगर निकालेंगे ना तो थोड़ी सी नीचे चिपकेगी। आप इसे 2-3 मिनट जो है ठंडा होने दें और फिर निकालें, ये होता है ट्रिक। ये देखिए, और चम्मच ना ऐसे शार्प है जिसका, हम मेरे मम्मी के साइड ना हम सबके पास ये छोटू सा चम्मच है। आप देख रहे हैं कितना कितना छोटा है ये, इससे हम लोग निकालते हैं, क्लीन निकलती है बिल्कुल इडली। ये सारी मैं अब निकाल लेती हूँ। मैंने देखे इडली सारी निकाल ली है और यम्मी सी सांभर। कितनी भी दाल में डाल दूँ सांभर धीरे धीरे देखिए गाढ़ी होती ही जा रही है। मुझे इसे बाद में पतला करना पड़ता है क्योंकि काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। ये सांभर, और मज़ा तब आएगा जब आप डालेंगे ऊपर से घी। यम्मी। सो इस तरीके से गर्मी में जब कुछ खाने का नाम मन करे तो अच्छे लगते हैं ये गर्मा गर्म इडली सांभर। आज का हम लोग का लंच।